संबंधित भी बड़ी अपडेट हम आपके लिए लाए हैं, क्योंकि एक और पेपर लीक होने का मामला देखिए यहाँ सामने आया है। 12वीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये सहायक अधीक्षक जेल का पेपर लीक हुआ है। इसमें जो पेपर खरीदने वाला व्यक्ति था उसने इस परीक्षा में टॉप किया है, नाम अमित कुमार बताया जा रहा है। हालांकि साथ ही साथ उमा आजाद और एजेंट रवि कुमार पर भी फिर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले 11वीं एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो मार्केटिंग सुपरवाइजर की भर्ती को लेकर हुई थी, उसमें भी क्योंकि पेपर बेचने और खरीदने वाला गिरोह सामने आ गया था। अब दूसरा मामला फिर यहां सामने आया है अगले ही दिन और ये 12वीं एफआईआर दर्ज हुई है। जैसा कि हमने कहा सहायक अधीक्षक जेल के पेपर में ये फिलहाल यहां क्वेश्चन पेपर्स पहले ही बेच लिए गए थे। अब ये भी एक देखिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि अभ्यर्थी एक और डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट घोषित किया जाए, इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए, लेकिन दूसरी ओर रोज़ाना ऐसे पोस्ट कोड सामने आ रहे हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि 2 के करीब और ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर परमिशन मांगी गई है ताकि उसमें एफआईआर दर्ज हो सके। यानी कि 2 और पोस्ट कोड्स अभी आने वाले समय में ऐसे रहेंगे, अभी ठीक 2 से या 3 दिन में ही ये फैसला सामने आया। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के जेबीटी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से जेबीटी शिक्षक इंतजार कर रहे थे भर्तियों को लेकर। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभाग ने आज जेबीटी की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का फैसला लिया है और शिक्षा विभाग ने हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य सभी डिप्टी डायरेक्टर को ये आदेश जारी कर दिए है कि काउंसलिंग के बाद जो है वो वेटिंग लिस्ट में अपात्र जेबीटी का चयन किया जाए। और विभाग ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि जो जेबीटी एक बार कहीं किसी जिले में ज्वाइनिंग दे चुके हैं उन्हें दोबारा दूसरे जिले में ज्वाइनिंग यहां पर ना दी जाए और उनकी तैनाती ना की जाए। और आपको बता दें तो शिक्षा विभाग ने इस साल के शुरू में ही बैचवाइज कोटे से जेबीटी के 824 पद भरने का फैसला लिया था और इसके लिए सभी जिलों में काउंसलिंग भी करवाई गई थी। और अभी तक लगभग बीएड को 264 पदों पर जेबीटी के पद पर ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में, और इनमें जेबीटी डिग्री धारक जो है वो एक भी नहीं बताया जा रहा है। और इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जेबीटी का इस समय 2010 का बैच चल रहा है जबकि बीएड का 1998 से 1999 का बैच चला हुआ है, और इसी का फायदा जो है वो हिमाचल प्रदेश में बीएड डिग्री धारक यहां पर ले चुके हैं फिलहाल। क्योंकि अभी इस समय एक दुविधा थी कि आखिरकार जेबीटी के जो पद है उन्हें भरा जाए। बहुत सारे ऐसे जिला में बेरोजगार युवा जो है वो सरकार से इन भर्तियों को लेकर मांग कर रहे थे, तो अब शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों का जो प्रोसेस है, बैचवाइज भर्तियों का प्रोसेस, वो शुरू करने के आदेश सभी डिप्टी डायरेक्टर को जारी। स्कूल लेक्चरर भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बीते दिनों हमने आपको बात ये भी बताई थी कि अब नई भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नियमों को लेकर, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और वो भी इस वजह से क्योंकि स्पष्ट ये बात नहीं हो पा रही थी कि मौजूदा समय में ही कॉन्ट्रैक्ट नियम रखे जाएंगे या फिर इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से फिर आदेश जारी हो गया था कि मौजूदा समय के कॉन्ट्रैक्ट नियम ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसके बाद अब डिपार्टमेंट की ओर से रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को भेजी जा रही है और सबसे पहले शिक्षा विभाग ने ही ये रिक्विजिशन भेजी है, लगभग 450 पदों को लेकर ये स्कूल लेक्चरर के भरे जाएंगे। हालांकि इसके बाद अभी 500 के करीब पदों को लेकर और इंतजार बना है, ये विभाग की ओर से मंजूरी के लिए सरकार को भेजे गए हैं। वित्त विभाग ने पहले चरण में ये लगभग 450 के करीब पदों को लेकर ही मंजूरी दी है।